के 8 दिन व्रत रखने के बाद आज नवमी के दिन माता को हलवे चने का भोग लगाकर व्रत खोला जाता है। साथ ही आज रामनवमी भी है, इसका क्या विशेष महत्व है ये जानने के लिए हम मौजूद हैं देहरादून के सनातन धर्म मंदिर में, और यहाँ पर हमारे साथ पंडित जी और कुछ महिलाएं मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरीके से नवरात्रे मनाए जाते हैं, क्या विशेष महत्व नवरात्रों का होता है, साथ ही जो रामनवमी है उसका क्या विशेष महत्व है और किस तरीके से मनाया जा रहा है। आपसे जानना चाहूंगी पंडित जी, नवरात्रों का क्या विशेष महत्व होता है? 9 दिन के अंदर इस सृष्टि की रचना की माँ भगवती ने, जिसमें शिव और शक्ति मिल करके इस सृष्टि की रचना की। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चतुर्थ कुष्मांडा, पंचम स्कंद माता, छठी कात्यानी, सप्तम कालरात्रि, अष्टम महागौरी, नवम सिद्धिदात्री। अष्टमी माँ भगवती ने अष्टमी के दिन कन्या रूप धारण किया, इसलिए घर घर के अंदर कन्या पूजन किया जाता है। कल दशहरे का पर्व है, जिसमें बुराई पे सच्चाई की जीत का पर्व है, और हमारे धर्म का बहुत बड़ा पर्व है ये, हमारे सनातन धर्म में हो रहा है नव दुर्गों की आराधना माँ भगवती की। फिलहाल यहाँ पर लोगों में काफी उत्साह है, मंदिर में लोग माता की पूजा अर्चना करने आ रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। कैमरामैन मंटू शर्मा के साथ शैली लाठे, एपीएन, देहरादून।